अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 24, 25 और 25A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा। हम डायरेक्टली चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल 24 है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। थोड़ा सा टेक्निकल है ये आर्टिकल, तो इसको हमें जो है वो थोड़ा ज़्यादा फोकस करके समझना पड़ेगा। अच्छा जी, आर्टिकल 24 की जो क्लास 1 है, बड़ी सिंपल सी क्लास है। इसमें कहा गया है कि किसी भी शख्स से कंपलसरी आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते। किसी भी शख्स को ज़बरदस्ती जो है वो आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते, उसे प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। हाँ, लॉ के तहत उससे आप प्रॉपर्टी छीन सकते हैं। यानी कि अगर कोई शख्स जो है कोई ऐसा जुर्म करता है जिस जुर्म की सजा में लिखा हुआ है कि आप उसकी प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं, आप उससे प्रॉपर्टी छीन सकते हैं, तो ऐसी सूरत में आप उससे प्रॉपर्टी छीन सकते हैं, अदरवाइज आप उससे प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते। इसी की क्लास 2 है। क्लास 2 हमारे पास ये है, वो कहती है कि किसी भी शख्स से कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो कंपलसरी एक्वायर नहीं की जा सकती। कोई भी प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर नहीं की जा सकती या उसकी पोजेशन नहीं छीनी जा सकती, लेकिन लिखा है ऑफ सेफ फॉर। इसका मतलब जब भी लॉ में ये टर्म आए तो इसका मतलब कि ये एक्सेप्शन है। लेकिन कब छीनी जा सकती है? पब्लिक इन पब्लिक पर्पज, कि आप मफादे आमा के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किसी भी शख्स से जो प्रॉपर्टी है वो छीन सकते हैं, आप एक्वायर कर सकते हैं कंपलसरी। और यह क्या है, और सेव टू द अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि आप किसी भी लॉ के अंडर जो है अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ उससे कंपलसरी प्रॉपर्टी छीन सकते हैं। तो यहाँ पर एक पहले जनरल रूल दिया गया कि आप किसी भी शख्स से प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर नहीं कर सकते या आप उससे उसकी पोजेशन नहीं छीन सकते, लेकिन अगर पब्लिक पर्पज के लिए आप ये कर रहे हैं, मफादे आमा के लिए, आवाम के इंटरेस्ट के लिए आप कर रहे हैं, तो फिर आप कर सकते हैं। दो शर्तें हैं, एक तो पब्लिक पर्पज होना चाहिए, दूसरा अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, आप लॉ की अथॉरिटी के अंदर जो है वो ये काम करेंगे। और जब आप लॉ की अथॉरिटी के अंदर ये कर रहे हैं तो आपको उसमें जो है वो दो चीजें करनी है। वो लॉ, कोई भी ऐसा लॉ जिसके अंडर आप कंपल्सरी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, वो कंपनसेशन की बात करता हो, कि जो आप कंपलसरी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं उसमें कंपनसेशन की बात की गई हो। और कंपनसेशन की बात भी दो तरीके हैं उसके, या तो कंपनसेशन फिक्स कर दी गई हो कि अगर प्रॉपर्टी एक्वायर की जाएगी तो पर एकड़ पर मरला जो भी है कि कायदा कानून फिक्स कर दिया गया हो कि इतनी जो है वो कंपनसेशन दी जाएगी। दूसरा तरीका कार क्या है कि वो प्रिंसिपल्स बता दिए गए हों, वह जाबते और असूल बता दिए गए हों जिनके तहत कंपनसेशन डिटरमिन करनी है। अब देखें, अगर इस हम पूरी क्लास को डिटरमिन समराइज करें तो क्या है कि आप किसी से भी कंपलसरी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते या उससे उसकी पोजेशन नहीं छीन सकते, लेकिन अगर आप पब्लिक पर्पज के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको अलाउ है, लेकिन आपको पब्लिक पर्पज के लिए भी अगर करना है तो अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ करना पड़ेगा, और ऐसे लॉ के अंडर जो के कंपनसेशन की बात करता हो, मुआवजे की बात करता हो, और वो मुआवजा या तो उस लॉ ने फिक्स कर दिया हो, अदरवाइज वो प्रिंसिपल, वो जाब्ते, वो असूल फिक्स कर दिए गए हो जिनके ऊपर वो मुआवजा डिटरमिन करना है। ये थी हमारे पास क्लास 2। क्लास 3 की तरफ चलते हैं। क्लास 3 जो है वो एक्सेप्शन है। देखिए, हमने जेनेरिक दो रूल बता दिए। हमने कहा कि किसी भी शख्स को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता क्लास 1 में। क्लास 2 में हमने कहा कि किसी भी शख्स से उसकी प्रॉपर्टी कंपलसरी छीनी नहीं जा सकती। ये दोनों जनरल रूल हैं। अब इनमें एक्सेप्शन हैं। कहा गया जी कि ये जो आर्टिकल है ये नीचे दिए गए जितने भी कानून हैं उनकी वैलिडिटी को इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब हम नीचे जितने भी लॉज पढ़ेंगे उन लॉज को सिर्फ और सिर्फ इस आर्टिकल की बेस पे इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये एक आर्टिकल उन लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करेगा। अब वो कौन से लॉज हैं उनको हम देख लेते हैं। कोई भी ऐसा कानून जो कि परमिट करता है कि आप अगर डेंजर टू लाइफ है, डेंजर टू प्रॉपर्टी है या पब्लिक हेल्थ को किसी भी किस्म का खतरा है, गौर कीजिएगा इस चीज के ऊपर, कि कोई भी ऐसा लॉ जो परमिट करता है
कि डेंजर टू लाइफ की सूरत में, मतलब जिंदगी जो पब्लिक लाइफ है उसको किसी भी किस्म का खतरा है उस सूरत में, या पब्लिक प्रॉपर्टी को खतरा है, या पब्लिक हेल्थ को खतरा है, तो इस खतरे से बचाने के लिए कोई भी कानून अगर कंपलसरी आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की बात करता है या पोजेशन लेने की आपको इजाजत देता है, तो उस लॉ की वैलिडिटी को ये आर्टिकल इफेक्ट नहीं करेगा। वैसे तो जनरल रूल हमने देख लिया कि कंपलसरी आप एक्वायर नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये तीन चीजें पब्लिक हेल्थ, पब्लिक जो है प्रॉपर्टी, या जो पब्लिक लाइफ है उसको किसी भी किस्म का खतरा है, तो इस खतरे से बचने के लिए कोई लॉ अगर इजाजत आपको परमिट करता है कि आप जबरदस्ती प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कर सकते हैं, ये आर्टिकल आपको मना नहीं करेगा। सेम इसी तरह जो है कोई भी ऐसा लॉ जो कि किसी ऐसी प्रॉपर्टी की पोजेशन एक्वायर करने की बात करता है या उसको लेने की बात करता है, जो कि किसी शख्स ने अनफेयर मींस के थ्रू किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन एक्वायर की है, या वो अगेंस्ट द लॉ, कॉन्ट्रेरी टू लॉ, किसी भी शख्स ने किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन अगर एक्वायर की है, तो अगर उस शख्स ने जो है किसी अनफेयर मींस के थ्रू कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है या अगेंस्ट द लॉ एक्वायर की है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को टेक ओवर करने के लिए अगर कोई लॉ परमिट करता है, तो ये आर्टिकल उसे मना नहीं करेगा, ऐसी प्रॉपर्टी को भी टेक ओवर किया जा सकता है। कोई भी लॉ जो कि आपको कहता है कि आप एक्वायर कर सकते हैं कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि दुश्मन की प्रॉपर्टी है, या दुश्मन की प्रॉपर्टी है या वो के मतरोका जायदाद है, तो इन दोनों सूरतों के अंदर आप किसी भी प्रॉपर्टी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्वायर कर सकते हैं, आप उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए अगर कोई लॉ आपको इजाजत देता है उसको एडमिनिस्टर करने की इजाजत देता है, तो इन दोनों सूरतों के अंदर जो है, या उसको एक्वायर करने की इजाजत देता है, तो ये तमाम चीजें अगर कोई लॉ आपको इनकी इजाजत देता है, तो आया कि वो एनिमी प्रॉपर्टी है, एनिमी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी कानून आपको एक्वायर करने, एडमिनिस्टर करने या डिस्पोज ऑफ करने की इजाजत देता है, या वो मुतरूका जायदाद है, मतलब उसकी ऑनरशिप नहीं है, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है आप जो है वो कोई भी लॉ अगर आपको इजाजत देता है, तो ये आर्टिकल उस लॉ की वैलिडिटी को इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब आप ये तीनों काम कर सकते हैं, किसी भी एनमी प्रॉपर्टी या मुतरूका जायदाद से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो आप उससे रिलेटेड ये काम कर सकते हैं। फर्दर यही क्लास आगे कंटिन्यू होती है क्लास 3। क्लास 3 का जो है वो सब क्लास D है, जिसके अंदर कहा गया है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको स्टेट जो है वो आरजी टाइम पीरियड के लिए, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक्वायर करती है, किस पर्पस के लिए, उसकी मैनेजमेंट जो है वो एक्वायर करती है, उसको मैनेजमेंट जो है वो स्टेट अपनी अंडर ले लेती है, या तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंडर हो, या वो जो है प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट को सिक्योर करने के हवाले से हो, या उसके ऑनर को बेनिफिट देने के हवाले से, अगर स्टेट आरजी टाइम पीरियड के लिए किसी भी लॉ के अंडर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करती है, टेक ओवर करती है किसी भी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट, तो वो कर सकती है, ऐसा कोई भी लॉ जो कि स्टेट को ये इख्तियार देता है कि वो उसको आरजी टाइम पीरियड के लिए टेक ओवर कर सकती है, तो उस लॉ की वैलिडिटी को ये आर्टिकल इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा भी कोई लॉ बनाया जा सकता है। अच्छा, फर्दर जो है हमारे पास इसी की जो क्लास 3 का आगे सब क्लास E है, वो कहती है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है, एनी क्लास ऑफ द प्रॉपर्टी, कि किसी भी खास किस्म की जायदाद जो है उसको एक्वायर करने की बात करता है, किन किन पर्पजेज के लिए, ये जो नीचे 3 पर्पज दिए गए हैं, इन पर्पज के लिए अगर कोई भी लॉ आपको प्रॉपर्टी एक्वायर करने की बात करता है, तो वो उस लॉ की वैलिडिटी को ये आर्टिकल इफेक्ट नहीं करेगा। अब ये कौन से पर्पज हैं जिनके लिए प्रॉपर्टी एक्वायर की जा सकती है, सबसे पहले अगर आप जो है वो एजुकेशन या मेडिकल एड देना चाहते हैं स्पेसिफिक क्लास ऑफ सिटीजन को, और आप इस पर्पज के लिए कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। दूसरी सूरत क्या है कि आप हाउसिंग या पब्लिक फैसिलिटीज जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो चाहे वो रोड है, वाटर सप्लाई है, सीवरेज है, गैस है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर है, तो ऐसी तमाम कोई भी या कोई भी स्पेसिफिक सर्विस आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं, कोई भी लॉ आपको अलाउ करता है, तो वो लॉ भी वैलिड होगा, ये आर्टिकल उस लॉ की वैलिडिटी को इफेक्ट नहीं करेगा और आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसी का जो है वो थर्ड पॉइंट है,
आपने जो है कोई भी ऐसा शख्स जो या तो मतलब अनएम्प्लॉयड है अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, या इन्फर्मिटी किसी इन्फर्मिटी की वजह से, या ओल्ड एज की वजह से, या वो जो है आप कह लें कि अपना नानो नुक्का नहीं कर सकता, उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने मेंटेनेंस कर सके, तो ऐसे किसी भी शख्स की मेंटेनेंस के लिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ला आपको मना नहीं करता। ये हमारे पास जो है वो फर्दर जो है यही क्लाज आगे हमारे पास कंटिन्यू होती है, और कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 253 के अंदर जो भी लॉ बनाया जाएगा, ये जो आर्टिकल है हमारे पास 24, ये आर्टिकल उसकी वैलिडिटी को भी इफेक्ट नहीं करेगा, वो भी वैलिड लॉ होगा। तो ये जो है हमारे पास बेसिकली क्लास 3 थी। अगर हम क्लास 4 की बात करें तो क्लास 4 बड़ी सिंपल सी है। इसमें कहा गया है कि इस आर्टिकल के तहत हमने जो बात की थी ना, एक के जो आपकी कंपनसेशन है वो डिटरमिन की जाएगी अंडर द लॉ, तो वो जो कंपनसेशन डिटरमिन की गई है, चाहे वो लॉ में डिटरमिन कर दी गई है या लॉ में वो प्रिंसिपल बताए गए हैं और उस प्रिंसिपल के तहत डिटरमिन की गई है, तो क्या वो कंपनसेशन एडिक्वेट है? उसकी एडिक्वेसी से रिलेटेड जो है किसी भी कोर्ट के अंदर कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि क्या वो काफी है या ना काफी है। इस क्वेश्चन को किसी भी अदालत के अंदर जो है वो जेरे बहस नहीं लाया जा सकता। ये जो है क्लास 4 है। फर्दर हमारे पास आर्टिकल 25 है, जो कि बेसिक और फंडामेंटल आर्टिकल है रूल ऑफ लॉ का। ये बात करता है इक्वेलिटी ऑफ सिटीजन की। बड़ी सिंपल सी बात की गई है क्लास 1 के अंदर। कहा गया जी कि तमाम सिटीजन लॉ के सामने इक्वल हैं, इक्वल बिफोर लॉ, और वो जो है वो क्या करेंगे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को एंजॉय कर सकते हैं, इंटाइटल्ड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए लॉ, जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सुपरमेसी ऑफ लॉ, एंड एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। तो यही बात इसी आर्टिकल ने भी की है कि आप किसी बेस पे किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, हर शख्स कानून की नजर में बराबर है, और जितनी भी लॉज प्रोटेक्शन दे रहा है वो तमाम की तमाम प्रोटेक्शन हर शख्स उसका हकदार है, कि लॉ की तमाम प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन जो है उसका वो हकदार है। फर्दर हमारे पास इसी की क्लास 2 है, जिसमें सिंपली ये कहा गया है कि आप सेक्स की बेस पे किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, कि ये मेल को हम ज्यादा देंगे, फीमेल को कम देंगे, चाहे वो, या आप टैक्स एग्जेम्पशन दे रहे हैं तो आप कह दें कि फीमेल को हम जो है वो एग्जेम्पशन नहीं देंगे, मेल को देंगे, या आप किसी भी बेस पे किसी भी शहरी को उसके सेक्स की बेस पे, मेल और फीमेल होने की बेस पे, आप उसके साथ किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन क्लास 3 में एक्सेप्शन है कि अगर आप वेमेन और चिल्ड्रन, बच्चों या औरतों की प्रोटेक्शन के लिए किसी भी किस्म का कोई लॉ बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। ये आर्टिकल उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ये आर्टिकल उसको प्रिवेंट नहीं करेगा। अब अगर ये क्लास ना लिखी होती तो अगर कोई स्पेशल जो प्रोटेक्शन वेमेन को दी जाती है तो मेल उसके अगेंस्ट रिट फाइल कर सकता था, कि ये तो अगेंस्ट आर्टिकल 25 है, वहाँ पे तो इक्वेलिटी की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पे बता दिया गया कि इक्वेलिटी है लेकिन वेमेन और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल क्लासेस बनाई जा सकती हैं। फर्दर हमारे पास 18th अमेंडमेंट के अंदर जो है वो राइट टू एजुकेशन डाला गया, 25A। इस आर्टिकल को भी हम देख लेते हैं। कहा गया जी के 5 साल से लेके 16 साल के जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगी। कौन प्रोवाइड करेगा? द स्टेट शैल प्रोवाइड। स्टेट के जिम्मे एक ड्यूटी लगा दी गई है 25A के अंदर, कि वो 5 साल से लेके 16 साल की उम्र तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, मैनर एज मे बी डिटरमाइंड बाय द लॉ, उस तरीका कार के अंदर जो कि लॉ ने डिटरमाइन किया है। लॉ के डिटरमाइन किए हुए तरीका कार के तहत स्टेट हर 5 साल से 16 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। तो ये बड़ा ही फंडामेंटल किस्म का बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल के तहत तमाम बच्चों के लिए जो एक एजुकेशन है 16 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए वो लाजमी करार दी गई है, जबरदस्ती आप कह लें कि वो करार दी गई है। तो ये था हमारे पास आर्टिकल 24, 25 और 25A। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।